यस स्टार्ट करते हैं बिटसेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर के सॉल्यूशंस। ये क्वेश्चंस सारे एक्चुअल्स हैं, जब पेपर ऑफलाइन होते थे उस समय के पेपर्स हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा कि जब बिटसेट की हम बात करते हैं तो बिटसेट का अगर हम लेवल देखें तो आप में से मैक्सिमम लोग जो बिटसेट का एग्जाम देते हैं, जेई का भी एग्जाम दे रहे होते हैं, तो जेई मेंस से लेवल थोड़ा सा कम बोल सकते हैं। अगर आप जेई मेंस लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बिटसेट में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बस प्रॉब्लम्स कहाँ आती है वो समझिए, क्योंकि आपको भी पता है कि बिट्स पिलानी आईआईटी लेवल का कॉलेज है, तो अगर हम चाहते हैं कि बिट्स में जाएं तो उसके लिए आपके अटेम्प्ट ज़्यादा लगते हैं, 12 का परफॉर्मेंस लगता है। इनफैक्ट आप स्टेट बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड या अपने रिलेटेड बोर्ड में टॉपर हैं तो आपको डायरेक्ट एडमिशन भी मिल सकता है। तो बिटसेट के लिए पढ़ाई करने में क्या क्या चेंजेस करने पड़ेंगे वो समझ लीजिए। एक तो आपको एनसीईआरटी की बुक पे बहुत अच्छे से फोकस करना है, स्पेशली फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, राइट। मैथ्स का रोल ज़्यादा है, मैथ्स में 45 क्वेश्चन के साथ साथ 10 लॉजिकल रीजनिंग के भी क्वेश्चन आते हैं। और मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि लॉजिकल रीजनिंग के जो क्वेश्चन है वो कंपेयर टू मैथ्स सिंपल होते हैं, आपको वो अटेम्प्ट करना है। यानी अगर हम ओवरऑल देखें तो मैथ्स 55 है, थोड़ा सा इंग्लिश का भी वेटेज है, इसलिए उस पर भी ध्यान देना है। बस यही एक डिफरेंस हो जाता है जब हम जेई की बात करते हैं और जब हम बिट्स की बात करते हैं, तो बिट्स में हमको इंग्लिश वाले सेक्शंस को भी कवर करना होता है। बट इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इंग्लिश को कवर करें ही, डिपेंड ये करता है कि अगर आपका मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री पे अच्छा कमांड है, लॉजिकल रीजनिंग आप कर सकते हो, टाइम बचता तो ही इंग्लिश पे जाइए। दूसरा, अगर 150 पूरे क्वेश्चन कर पाए तो ही बोनस क्वेश्चन की सोचिए। कई बार ये भी मिस्टेक होती है कि हम सोचते हैं जो हमें बाद में बोनस क्वेश्चन मिलने वाले हैं 12 उनको हम कर लें, तो उसके लिए आपको पता है कि ऑल 150 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होंगे, कोई स्किप नहीं करना होगा, जब भी मिलेगा। पर इस हड़बड़ाहट में या जल्दबाजी में कई बार हम क्वेश्चन रॉन्ग कर देते हैं, तो क्वेश्चन रॉन्ग नहीं करना है। उन 12 क्वेश्चन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पहले जो पेपर में क्वेश्चन है जो आते हैं वो करिए आप अटेम्प्ट। अब देखिए क्वेश्चन क्या, समझिएगा, एक्स बिलोंग टू आर सच दैट 2x-1/x³+4x²+3x। अब इसमें सिंपली आपसे फंक्शन का डोमेन पूछा है। अब एक चीज ध्यान से देखिएगा, आप नीचे x आप कॉमन ले सकते हैं, तो जैसे ही x कॉमन लेंगे तो आपको मिलेगा x²+4x+3 जिसके फैक्टर होंगे x+1 × x+3। कितना स्पीड में कर सकते हैं, टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो मैं ये आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ उसका एक ही पर्पज है, फाउंडेशन आपने पढ़ा हुआ है, वो कोर्स आपने में से बहुत लोगों ने लिया हुआ है, उसमें हर एक चीज को बेसिक से बताया हुआ, अगर आपने उसको अच्छे से पढ़ लिया आप एक बेस्ट स्कोर करेंगे। अब देखिए आपको एक बात समझ में आ रही है कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, तो कहां जीरो होगा, 0, -1 और -3, यानी इसको छोड़कर सारे नंबर, तो इसका मतलब डोमेन हो गई ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1, 0, -1 और -3। अब देखिए क्या होता है कि जब हम स्टेप्स लिखते हैं, मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ, एवरी स्टेप से मोर देन 20 सेकेंड। आपने पहले x कॉमन लिया, फिर आपने लिखा x²+4x+3, देन आपने फिर फैक्टर्स बनाए। अब इन छोटी छोटी चीजों को जहां जहां आप टाइम सेव कर सकते हैं करने की कोशिश करा करिए, उससे बहुत फायदा होगा, राइट। नोट डाउन दिस क्वेश्चन, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए और क्वेश्चंस को धीरे धीरे अंडरस्टैंड करिए, और एक बात मैं बिल्कुल श्योर हूं कि आपको ऐसा लगेगा हर क्वेश्चन इजी आता है, और ये बात आपको हमेशा इसलिए लगेगी क्योंकि मेरा तरीका ही ऐसा है कि आपको हर क्वेश्चन सिंपल लगेगा, और मैं बोलूंगा आप भी अपने आप को ऐसे ही डेवलप करें कि टफ से टफ चीज भी आपको इजी लगे, सिंपल लगे। अब देखिए क्या क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ 1, 2, 3 up to 9 कंटेनिंग एटलीस्ट वन ऑड नंबर। कई बार चीजों को हम खुद कॉम्प्लिकेटेड कर लेते हैं। आपको पता है अभी यहाँ पर समय आ गया कि बिटसेट के लिए आपके पास सफिशियंट टाइम है, मई में एग्जाम होना है, आप बहुत प्रॉपर तरीके से अगर बुक को प्रॉपरली सॉल्व कर लेंगे आपको प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। और एक और बात मैं बोलना चाहूंगा कि जो जेई बिट्स की पुरानी कुछ बुक्स आपको मार्केट में मिलेंगी, उन बुक्स में जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन दिए हैं जैसे 17, 16, 15 के, उसमें कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिलेटेड नहीं है, कई सारे क्वेश्चन तो जेई के दे दिए हैं। तो मैं आपको ये बोलूंगा कि जो एक्चुअल पेपर थे जब ऑफलाइन थे उन पेपर्स को देखो, और साथ में एनसीईआरटी की बुक्स को अच्छे से करो, कंसेप्चुअल पढ़ाई करो, और जेई मेंस की प्रिपरेशन आप ऑलरेडी कर ही रहे हैं, बस उसको अगर आप प्रॉपरली कर रहे हैं तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। अब देखिए इसमें बोला है द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ 1, 2, 3 up to 9 कंटेनिंग एटलीस्ट वन ऑड नंबर। अब इसमें कितने सबसेट बन सकते हैं, एक सिंपल सा लॉजिक है, आपको पता है कि 2 power 9 यानी 512 ये टोटल सबसेट होंगे, बट आपको इसमें वो नंबर लेने जो जिसमें कम से कम एक ऑड डिजिट हो। इसका मतलब ये आंसर तो हो ही नहीं सकता। अब एक ऑड डिजिट हो तो हम एक काम ये करते हैं कि जो इवन वाले हैं उससे जो सबसेट बनेंगे उनको माइनस कर दें, तो 2 power 4 यानी 16 अगर माइनस कर दें तो 512 minus 16 आपने किया तो 496, दिस इज द राइट आंसर।
अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है कि सर एक एम्प्टी सेट है उसमें तो ऑड नंबर आता नहीं, बिल्कुल सही है, वो एम्प्टी सेट इससे माइनस करें या इससे बात एक ही है, ओवरऑल जो 2 पावर 9 में 5.2 बने इसमें एक एम्प्टी सेट भी है, पर जब मैंने 2, 4, 6, 8 के लिए तो 16 में भी एक एम्प्टी सेट है, वो अपने आप ही सबट्रैक्ट हो गया, इसलिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। तो 4, 9, 6 इज अ राइट आंसर। कंसेप्ट बना के पढ़ाई करोगे पॉसिबल ही नहीं है, आपको टफ से टफ क्वेश्चन भी इजी लगेगा, सिंपल लगेगा, बस आपको अपने सोचने का तरीका बदलना है। नोट कर लीजिए क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द कोफिशियंट ऑफ एक्स पावर 24 इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x² / 12 इनटू 1 + x² / 12 इनटू 1 + x² / 24 इज। अब एक सिंपल सा लॉजिक है कि आपको x की पावर 24 का कोफिशियंट बताना है। अब एक चीज समझिएगा आप, जब आप इसका एक्सपेंशन करेंगे तो क्या होगा कि पहला टर्म मिलेगा 1, फिर देखिए सबसे पहले तो एक चीज समझिए, 1 + x² / 2 / 12 इसको ऐसे ही रहने दीजिए, राइट? इसमें तो सबसे आखिरी टर्म ही होगा x की पावर 24, जब आप इसका एक्सपेंशन करेंगे तो आपको ये पता है कि a प्लस बी की पावर n में a पावर n से स्टार्ट होता है और b पावर n पे खत्म होता है, तो x स्क्वायर की पावर जब 12 लेंगे तो x की पावर आपको डायरेक्टली 24 मिलेगा, पर साथ में x के अलग अलग टर्म भी मिलेंगे, यानी यहाँ पर कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म होगा। तो कैसे करेंगे, तो अगर मैं आपसे बोलूँ इसको इसका मल्टीप्लाई करें तो आप मिलेगा आपको 1 + x² / 12 + x² / 24 + x² / 36, राइट? अब आपका जो काम है वो ये है कि इनके सिलेक्शन से होगा, तो अब इसमें कौन कौन सा, देखिए यहाँ 12 है तो यहाँ का 12 और 12 24 हो जाएगा, यहाँ 24 है बस, तो अब आपका क्वेश्चन हो गया 12c6 जब आप लिखेंगे तो यहाँ पर x की पावर 12 हो जाएगा और लास्ट टर्म होगा x की पावर 24, खत्म। अब ये 1 + x² / 12 x² / 24 एंड दिस। अब x पावर 24 का कोफिशियंट यानी कलेक्शन ऑफ टर्म कैसे, इस 1 का इसमें होगा तो मिलेगा तो 1, इस x पावर 12 का इसमें होगा तो मिलेगा तो 12c6, और जब इस 1 का इसमें होगा तो मिलेगा तो 1, यानी आप देखिए क्या आएगा 12c6 + 2। अब आप ध्यान दीजिए कि 12c6 को इन्होंने सॉल्व भी नहीं किया है, यानी ये आंसर हमारा राइट है। अगर आप, मैं फिर बोल लूंगा, कंसेप्चुअली स्ट्रांग हो तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपसे क्वेश्चन ना बने, चाहे फिर वो जेई का पेपर हो, चाहे फिर बिटसेट का या कोई भी एग्जाम। हर टॉपिक के साथ एक इंपॉर्टेंट चीज है जिस पे मैंने हमेशा वर्क किया, वो है फाउंडेशन, यानी बेस स्ट्रांग होगा तो क्वेश्चन बनेंगे। ये क्वेश्चन आप क्यों सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि आपने पहले इसकी थ्योरी पढ़ी। तो हर एक क्वेश्चन के लिए रूल यही होता है कि पहले अच्छे से फाउंडेशन कवर करिए, देन क्वेश्चन सॉल्व करिए, आपसे बनने लगेगा। फिर समझ लीजिए क्या किया है, 1 + x² / 12 का एक्सपेंशन करा, केवल वो टर्म लिखे जो काम के थे, एक 1, एक मिडिल टर्म जो x पावर 12 है, एक x पावर 24, बिकॉज इन दोनों के मल्टीप्लाई से 1 पावर 12 पावर 24 पावर 36 बनता है। तो इसके साथ और इसके कॉम्बिनेशन को हमने कलेक्ट करा, राइट? नोट डाउन दिस क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फॉर मॉड एक्स लेस देन 1 द कॉन्स्टेंट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 / x - 1² / x - 2, यानी ये बाइनोमियल थ्योरम के एनी इंडेक्स का क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आप इसे ऐसा लिख सकते हैं, x माइनस 1 की आप पहले से ऐसे ही लिख लें, बल्कि 1 / देखो इसको लिख सकते हो 1 - x² / 2, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको आप 2 पहले कॉमन ले लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि जब हम एनी इंडेक्स पढ़ते हैं तो 1 - x² / n होना चाहिए, तो आप अगर -2 कॉमन ले लें तो कुछ ऐसा ये बनेगा 1 - x / 2, राइट? -1/2 बाहर लिखिए, अब आप इसे ऐसा लिख सकते हैं 1 - x / 2, अब देखिए यहीं पर आंसर आ गया, क्या आ गया आंसर, -1/2 इज अ राइट आंसर। व्हाई? बिकॉज आपको पता है कि जब आप 1 - x² / n का एक्सपेंशन करते हैं तो 1 - nx मिलता है, प्लस होता है तो 1 + nx मिलता है, इसका मतलब जब इसका एक्सपेंशन करेंगे तो 1, इसका करेंगे तो 1 1 × 1 1, तो आंसर हो गया -1/2, यानी अगर आपके अप्रोचेस क्लियर हैं तो आप बहुत इजीली क्वेश्चन कर सकते हैं। पूरे क्वेश्चन तक तो जाने की जरूरत ही नहीं है कि आप कंप्लीट मल्टीप्लाई कर रहे हैं फिर निकाल रहे हैं, नो नीड। जहां आपको समझ में आ जाए कि आंसर क्या होगा वहीं पर रुक जाइए। ये 1/ है, अच्छा ये ऊपर ले गए थे हम, ये 1/ है, अभी आप देखें तो ऐसा लिखा है, अब आप चाहें तो आप इसे ऐसा लिखते हैं -1/2, फिर लिखते हैं 1 - x² / -2, 1 - x² / 2 - 1, देन इसका एक्सपांशन भी कर सकते थे 1 + 2x, ऐसे चलता, ऐसे इसका 1 + x / 2, पर आपसे केवल कांस्टेंट टर्म पूछा है तो कांस्टेंट टर्म मतलब x नहीं आएगा, यानी -1/2, तो आप इसका आंसर पहले ही दे सकते थे, यानी
इस स्टेप पे आपके पास आंसर आ चुका था तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस यही एक चीज है जिन पे आपको वर्क करना है। अगर आप चाहते हो कि आप एंड के 12 क्वेश्चंस और एडिशनल बोनस क्वेश्चन करें तो आपकी स्पीड एक्यूरेसी बहुत मैटर करती है, और स्पीड एक्यूरेसी आती है कंसेप्ट बिल्ड करने से, और उस पर आप वर्कआउट करो। अभी आपके पास सफिशियंट टाइम है, अगर आप अभी भी वर्क करेंगे तो बहुत अच्छे से एक्यूरेसी बना सकते हैं। नोट कर लीजिए क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द रूट्स ऑफ एक्स माइनस से माइनस वन प्लस x माइनस से माइनस वन, x माइनस से माइनस टू, x माइनस से माइनस टू आर इन। अब इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो कुछ एक चीज आप समझिए कि इसमें पूछा है a बिलोंग टू रियल है कि इसके रूट्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे, इमेजिनरी होंगे, रियल डिस्टेंट होंगे, रैशनल एंड इक्वल होंगे, राइट। अब इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले एक चीज समझिए, सब में x माइनस a है तो क्यों ना x माइनस a को एक नया वेरिएबल ले लें, लाइक y मान लें। तो ये कुछ ऐसा है क्वेश्चन, y y माइनस वन समझिएगा, y माइनस वन y माइनस टू प्लस प्लस y इंटू y माइनस टू, कुछ इस तरह का क्वेश्चन है। अगर आप लॉजिकली देखें तो y स्क्वायर y स्क्वायर y स्क्वायर 3y स्क्वायर हो गया, राइट। यहां पर मिलेगा माइनस y, यहां मिलेगा माइनस 3y, यहां मिलेगा माइनस 2y, तो कितना हो जाएगा माइनस ऑफ 6y, और याद रखिएगा प्लस ऑफ 2 इक्वल टू 0। अब अगर आप देखें तो इसके रूट्स कैसे होंगे ये देखना है, तो सबसे पहले ये देखना है कि y की वैल्यू रियल मिलेगी कि इमेजिनरी, वो वैल्यू यहां रखना है। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है, तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी करते हैं आप, तो 36 माइनस ऑफ क्या होता, देखिए यहां पर होता 4 इंटू 3 इंटू 2, राइट। तो ये कितना आ जाता, ये आ जाता, ये 36 है, राइट, ये कितना हो गया 24, यानी ये आ जाता 12। तो रूट्स कैसे हो जाते, रूट्स अब ये देखिए, ये आ गया कितना, डिस्क्रिमिनेंट 12 आया, यानी आप इसके फैक्टर बना सकते हैं कि नहीं, ये चेक कर लीजिए, ये कितना है 6 है, तो इसका ये आ गया 12, तो आप ऐसा लिखते y इक्वल टू 6 प्लस माइनस, क्योंकि रूट 12 है तो आप ऐसा लिख सकते थे 2√3 बाय 2 × 3, और ये यहां पर रख देते, तो इसका मतलब x कैसा मिलता, x मिलता रियल एंड डिस्टेंट, राइट, दिस इज द राइट आंसर। यानी क्वेश्चंस कैसे कर रहे हैं इसके ऊपर सारी चीजें डिपेंड करती है। इसके बाद इसको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। देखिए यहां पर आपके पास ये आ गया, अब आपके पास y की वैल्यू यहां रख दी, x ऑलरेडी रियल है, तो x की दो रियल वैल्यू आएंगी, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू आएंगी, इसलिए इक्वल आपको दिख ही रहा नहीं है, क्योंकि प्लस माइनस आ गया, इमेजिनरी भी नहीं है, रैशनल भी नहीं है, रैशनल एंड इक्वल इक्वल है ही नहीं, तो यह करेक्ट आंसर हो गया, राइट। बस समझ के चलिए क्वेश्चंस को, कमांड बनाइए क्वेश्चंस पढ़ के, हमेशा कई बार जब भी आप कोई पेपर देखते हैं स्टार्ट फीलिंग आती है कि बनेगा कि नहीं, पर जैसे आप सोचेंगे कि नहीं जो आता पहले वो करना, आपको पेपर बनने लगेगा। नोट करिए।